ओम शांति। 16/7/2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त वापदाता की वाणी है। ओरिजिनल डेट है 7/3/95 मधुबन। मार्च महीने की 95 की 7 तारीख का मुरली है। अव्यक्त वापदाता की वाणी। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना? सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं? अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है, द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? नहीं होंगे ना। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है। क्वेश्चन है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं? क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाएं तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए बाला देर चलेगा? कौन सा चाहिए, सदा काल का या थोड़े समय का? बच्चे तो सदा काल के लिए ही कहेंगे, तो सदा काल के लिए चाहिए तो क्या करना होगा? जैसा जैसा बाप दादा कहते वैसे वैसे हमको चलना होगा। तो सदा काल का कहते हैं सभी, लेकिन फिर चलते नहीं है ना। तो जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, देने में सोचा जाता है दे नहीं दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सबको कहेंगे जितना मिले उतना ले लें, है ना ऐसा? तो लेने में नंबर वन हो या नंबर टू हो, इसमें तो नंबर दो कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर वन हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो, ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ?
देना पड़ेगा, देना है ये सोचते हो तो भारी होते हो, देना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे, देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज, और हमने क्या क्या दिया? अच्छी चीज दी क्या? नहीं ना, तो हमने तो सिर्फ लिया है। तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, प्रश्न है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, सब कुछ झूठा है ना, सब कुछ पतित है ना, तमो प्रधान है ना, तन भी मन भी हाँ, आत्मा भी तमो प्रधान है। मन भी देखो कैसा है, मन दूसरों के विषय में सदा अच्छा सोचता है क्या? अब बाबा के बच्चे हैं तो भी कभी कभी मन में ख्यालात जो नहीं आने चाहिए वो आते हैं कि नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या देना अच्छा है? अच्छा खराब चीज देनी अच्छी है, अच्छी चीज? तो बाबा कहते हैं तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, सत्य कहा बाप ने, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। यदि परमात्मा ने, ईश्वर ने, जिन्हें हम बहुत मीठे मीठे से प्यार से याद करते हैं, हम अपने बाबा को बाबा कहते हैं, यदि बाबा से किसी बच्चे ने कुछ समय पर मांगा और बाबा ने नहीं दिया तो बाबा को छोड़ देते हैं। होशियार हो ना, अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल फेस ऐसे लगती हैं कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमजोरी नजर आती है। एक्सप्रेशन बताते हैं कि आप खुश हो, दुखी हो, चिंतन में हो, अच्छे चिंतन में हो या बुरे चिंतन में हो, किसी बात से परेशान हो, वो परेशानी आपके फेस से, आप अंदर से कमजोरी है तो बाहर वो जरूर नजर आएगी। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं, ध्यान रखना। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं व कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी हैं। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते, पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भी भूल गया है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ, सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। बाबा कहते जो बच्चे भी मधुबन में आते हैं उन्हें क्या छोड़ना है? जो बाप मांगता है, क्या मांगता है? जो
आत्माओं को ग्रहण लगा है वो अब गुण मांगता है ना, जिससे आत्मा कैसी बन गई है, काली बन गई। अब गोरी बनने के लिए किसका दान देना होगा, दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारी रूपी जो ग्रहण हमारे में पांच विकारों का है वो ग्रहण के लिए आपको विकारों का दान देना होगा। तो बाबा वही कहते हैं, आप मद बन जाते हो तो क्या छोड़कर आते हो और क्या ले आते हो। तो इस तरह से बाप दादा आज कहते हैं, बाबा कहते हैं कि देखना चाहिए ना कि किस तरह से आपने, तो क्या छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजोरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है, मार्च की मुरली है ना, तो मार्च में तो शिवरात्रि रहती है ना, सातवें सात तारीख की तीसरे महीने की मुरली है ना 95 की। तो बाबा कहते शिवरात्रि मनाई है मधुबन में ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो शिव बाबा का बर्थडे रहता है ना, तो बाबा को क्या गिफ्ट दिए ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो जो आप अपसेट होते हो ना, अब वो अपसेट आपको कभी नहीं होना, ये गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे, हिम्मत है, अच्छा हाथ उठाओ और सीसी और टीवी में सबके हाथ निकालो, सोच समझ कर पक्के हाथ उठाना। देखो सभी के हाथ का फोटो निकाला, देखना अभी फोटो निकल गया है, बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते, मुरझाया हुआ नहीं। अब मैं मुस्कान के साथ यदि आपसे कुछ बात करूं तो आप कहोगे अच्छा लगता है, और जो मैं कभी ऐसे करके सुनाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, भल कितने अच्छे मुख से हम महावाक्य बाबा के निकालेंगे लेकिन यदि हमारी फेस पे स्माइल नहीं रहेगी, सच्ची स्माइल, ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए, बाबा के मिलने की खुशी, बाप दादा जो हमें मिले है ना, और उनकी खुशी, हमें ईश्वरीय परिवार मिला, हमारा भाग्य विधाता हमारे हाथ में भाग्य की लकीर खींचने के लिए कलम दिया, तो उस भाग्य विधाता को हमने पाया और उसने हमें ढूंढा, इस बात की अविनाशी खुशी जो कि एक्सप्रेशन से फेस से दिखती है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता, बाप दादा हर एक बच्चे को सदा कैसा देखना चाहते हैं, खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ, सदा मुस्कुराता हुआ, जिसके जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल कॉर्नर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट के आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, आप सीट पर सेट रहोगे तो कभी अपसेट नहीं रहोगे। आप सीट से कब अपसेट होते हो, जब सीट से आप नीचे उतरते हो ना तब अपसेट होते। तो जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्यों नहीं होते हो, खेल समझते हो, तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो, कारण क्या हुआ, खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी जरूर, जिन्होंने हाथ उठाया है उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं, नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाली है तो खुद अपसेट हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते हो ना, ये ठीक है, ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो।
एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ चाहे आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सोच लिया कि ऐसे ही हांजी कर दिया? हाँ, हांजी कर लिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। कौन से? विधि है या नॉट, नहीं करो या डॉट, बिंदु लगाओ। नॉट या डॉट, नॉट नहीं करो या डॉट, बिंदु लगाओ। नॉट या डॉट, अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है, और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो, नॉट लगाओ, डॉट फिनिश। डॉट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा, बाप भी डॉट बिंदी है, आप भी तो डॉट हो। आत्मा परमात्मा एक जैसे ही है ना, एक समान बन जाओ, है ना। तो सभी, तो तभी क्या आएगा, सभी याद आ जाएगा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क तिरछा रहता है, कुत्ते की पूंछ को कितना भी अंदर डालो तो वो सीधी नहीं निकलती है, तिरछी ही निकलती है। ऐसे बाबा कहते हैं, क्वेश्चन मार्क सदा तिरछा रहता है, वो कभी सीधा हो ही नहीं सकता। आश्चर्य की मात्रा कैसा रहता है, एक डंडी नीचे डॉट लगा रहता है, वो आश्चर्य की मात्रा है, और क्वेश्चन मार्क तिरछा। अब कॉमा, कॉमा कैसा होता है, छोटा सा लंबा होता है, तो ये नहीं दो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसा होता है, डॉट। अब यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क तिरछा होता है, जो कभी सीधा नहीं होता। आश्चर्य की मात्रा सीधी, एक नीचे डंडी, माना आपके साथ में कुछ और भी है साथ में जो आपको डॉट नहीं लगाने दे रहा है। फिर एक बाबा ने कहा कॉमा, तो ये नहीं दो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली है, और उसके आगे पीछे कोई किसी तरह के मुश्किल नहीं है, सिर्फ डॉट। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई, क्यों शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई, वाई आए तो फ्लाई कर दो, है ना, उड़ जाए, बाबा कहते ऊपर उड़ जाओ, वाई नहीं फ्लाई। फ्लाई उड़ना करना आता है, उड़ना करना आता है। पंछी क्या करता है, अपने सामने कोई पक्षी पहाड़ देखता है तो वो पहाड़ को देखकर क्या करता है, क्यों आए तुम, वाई कहता है या फ्लाई करता है, और तुम कौन हो, बाबा के कौन से बच्चे हो, फरिश्ते बच्चे हो कि नहीं, आत्मा मन बुद्धि से उड़ती है कि नहीं उड़ती है। तो इस तरह से उड़ना आता है, वाय को फ्लाई करना आता है, हा? तो वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं, बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं, साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सी भी कहें, कहां भी जरा सा भी दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। व्हाइट वस्त्र पर यदि एक छोटा सा डॉट लग जाए तो वो कितना भी दूर आप बैठेंगे लेकिन वो डॉट दिखेगा जरूर, जैसे कि ये रेड है लेकिन आप कितना भी दूरी से इस रेड को देखेंगे तो दिखेगा, क्योंकि सफेद है, और सफेद अर्थात होता ही है, बाबा कहते फरिश्तों का ड्रेस है। तो बाबा ने इस ड्रेस को नहीं, ये जो यहाँ बैठी हुई है और उसने इस ड्रेस को पहना हुआ है, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे अंदर की जो निराकार है, जो डॉट है, उस पर कोई दाग नहीं हो, अर्थात आपके अंतर मन में किसी तरह का कोई किसी के प्रति भावना
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और द्वेष, घृणा, ये सात, इनको किसी भी तरह से आपके अंदर में नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, ये जो कहते हैं ना सफेद वस्त्र होते हैं उसको आप ज्यादा नहीं पहन सकते, दाग लग जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं ऐसा बनाओ कि वो अमूल्य है ना, बाबा कहते हैं, लेकिन कहेंगे तो दाग ना कितना भी छोटा हो, बहुत छोटा, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहां दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता, होता छोटा सा दाग है लेकिन कहेंगे तो दाग ना। जो बाबा कहते, तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है, अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसीलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है, चाहते नहीं हो कि दाग लगे लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है, मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो, और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप की भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं जो आपके अंदर में संकल्प हैं वो भी सूक्ष्म कर्म हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसी खुशी से अपने विचार देते हो ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है, आपको उनके विचार अगर ठीक भी नहीं लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना, समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, जैसे हम चाहते हैं ना, हमने किया तो दूसरों को हमें भी थपथपानी चाहिए, हमारी कहना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, तो बाबा कहते जैसे तुम सोचते वैसे वो भी सोचते हैं, इसीलिए तुमको भी उनको रिगार्ड देना चाहिए। वो मिलना बाबा कहते मिलाना नहीं आता है, दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है, ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। विश्व कैसे
अभी विश्व किसको कहेंगे जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेटों में जो लोग हैं सब हैं विदेशों में, भल वो बाबा के बच्चे बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पर चले गए हों, लेकिन वो बच्चे भी तो बाबा के, तो बाबा क्या कह रहे हैं, कौन सा टाइटल रह जाएगा, सिद्ध नहीं होगा प्रैक्टिकल में, विश्व कल्याणकारी का। तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना, इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना, टोटल कितने देशों के आए हैं, 58। बाकी कितने मुख्य देश हैं रहे, बाकी देश रहे हैं 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं, जिसमें बाबा कहते 50 आए हुए हैं। वो बाबा ने कब की बात बता रहे, 95 की। अब तो देखो कितना बढ़ गया। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा, भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलहना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं, बाप आया और हमें तो पता ही नहीं चला, भगवान ने आकर के संदेश दिया और हमने तो सुना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं नहीं दे कि ये उलाहना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं, मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलाहना नहीं हुआ, लेकिन आपने नहीं बताया तो फिर आपके प्रति उंगली उठेगी तो वह उलाहना नहीं रह जाए। जब कहते हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए, भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उलहना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरे तरफ लोग उलहना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, बाप से प्यार तो है ही लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है, दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी, तो शक्ति स्वरूप बन गए यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजोरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है, अच्छा चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा वरदान है आज का, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे और ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। फिर से रिपीट करूंगी, बाबा ने कहा एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, सोचेंगे नहीं तो क्या होगा, बोल भी नहीं निकलेंगे, ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। तन मन धन से तन मन सवाच कर्मणा एक रस्थिति। अच्छा तो सदा सावधान रह व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे, यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय करके सिखाने वाले बने, दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय
करके सिखाने वाले बनो, पहले करो फिर सिखाओ। अच्छा, सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा भ्रकुटी के आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। आत्म ज्योति जगाना है, स्थूल दिया जलाने की बात तो कोई ईश्वर ने कही नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का, बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा ने हमें चुना और हमें ईश्वरी परिवार मिला और ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, यही हमारा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति।